अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसे इंडिया में आईपीएल, कर्नाटक में केपीएल, इसी तरह मैसूर में एमपीएल, महिला प्रीमियर लीग हर साल से भी हमारे मैसूर के नौजवानों ने एक कमेटी बना ले को एक क्रिकेट का आगाज़ किया है। हर साल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आले को है। ये साल भी 24 टीम पार्टिसिपेट की हैं। मेन क्या कहते तो हर इसमें भी हार जीत रच है। जो अच्छा खेलते हैं उनको जीत मिलती है, जो नहीं खेलते उनको हार मिलती है। ये क्रिकेट जो है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हमारे पूरे प्लेयर्स हैं ना, कभी भी क्या करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं, परेशानी में रहती हैं, काम करते रहती हैं। ये एक दशहरा के टाइम पर केवल जो भी मिला जाता है वो टाइम पर ये खिलाने में क्या होता है, सबको भी माइंड फ्रेश होता है, सब दोस्त हम एक तरफ एक प्लेटफॉर्म में मिलती हैं, बहुत अच्छा है। बाद में हेल्थ इश्यूज़ के बारे में देखते हैं तो पूरे भी जो क्रिकेट खेलते रहते हैं उसमें हेल्थ सबका भी अच्छा रहता है। इस वजह से जो कर रही हैं बहुत अच्छा काम है ये, अल्लाह की तरफ से इनको हर साल भी इसी तरह अभी अच्छे पैमाने में करने के वास्ते मौका मिले थे। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, ऑल द बेस्ट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेमीफाइनल था, लेकिन रहमत बरसा कर क्या हो गए, मैच खिलाना नहीं खिलाना कम करना इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी होता है मैनेजमेंट वाले इसे डिस्कस करके आगे ले लग जाती है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्रिकेट कभी भी स्पोर्ट इसी लेना, हार जीत दो भी एक कायन के दो फैसा के सर का, हेड टेल के सर का, वो सभी कॉमन लाइफ में। जो हारते हैं उन्हें नेक्स्ट साल कप लेने के वास्ते कोशिश कर लग रहे तो क्या होता है उन्होंने जीती, लेकिन बारिश आपको थोड़ा आगे साफ देने का है। इंशाल्लाह उसके बारे में मैनेजमेंट वाले डिसाइड करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तो हमारे कौम के जो जिम्मेदार है ना उन्होंने खड़ों को ये जो कर रही है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा खूबसूरत है, अच्छी अच्छा काम भी मिल रहे हैं। हर साल भी प्लेयर हम बढ़ लग जा रही है, चामराजनगर से आती हैं, केरपट से आती हैं, बेंगलुरु से, हर तरफ से खेल रही, बहुत खुशी की बात है। जी 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 जी, मैसूर पुलिस टीम हमारे डी सी 11 के साथ कभी हमें खेलते रहते हैं, उनकी भी टीम बहुत अच्छा खेलती है। दिवाकर अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, क्वार्टर फाइनल तक आपको उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। वो ऑफिशियल से उसमें क्या होता है उनको जरा टाइम बहुत कम रहता है, उसमें भी क्वार्टर फाइनल का जाकर ही बहुत खुशी की बात है। इनशाला नेक्स्ट साल हमारे कॉर्पोरेशन की भी टीम इसे जमाना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो ये मिलाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जो है ये टूर्नामेंट चल रहा है सीजन 9, और आज जो है सेमीफाइनल तक हम लोग पहुंचे हैं। फर्स्ट मैच चल रहा था सेमीफाइनल का और फर्स्ट इनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म पे थी और बारिश आ गई है, तो जिसकी वजह से थोड़ी रुकावट है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर वेदर अगर अच्छा हो गया तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट इनिंग भी खिलाएंगे। उम्मीद तो यही है, अभी होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर अच्छा वेदर हो गया तो डेफिनेटली आज एक सेमीफाइनल खिलाते हैं और कल सुबह इंशाल्लाह और एक सेमीफाइनल खिलाको, इमीडिएटली अराउंड 12:30 फाइनल मैच विल स्टार्ट इंशाल्लाह। ये सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल मैसूर टाइटंस और मैसूर टाइटंस 11 इन दोनों टीम के दरमियान है। मैसूर टाइटंस ने जो है 158 रन 19.5 ओवर्स में स्कोर किया है, अभी 7 बॉल उनके बाकी हैं, लेकिन इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली वो बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। तो कोशिश है कि अगर वेदर ऐसी रहा तो क्लाइमेट अच्छा होने की सूरत में जो है ग्राउंड भी सपोर्ट करेगा तो सेकेंड इनिंग इंशाल्लाह खिला दी जाएंगे। जी इनका ये हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं हमारे अशफ भाई का कि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हर साल आते भी हैं, और उम्मीद है कि इसी तरीके से उनका ताबुन जो है हर साल ताबुन में मजीद इजाफा रहेगा। और जैसा कि अभी अशफ भाई ने बताया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो वैसे भी हमारे पास तकरीबन 24 टीम्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वैसे तकरीबन 30-32 टीम्स तक जो है टीमों ने जो है ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन टाइम की वजह से इसमें हम लोगों को जो टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है 24 टीमों को सिर्फ दाखिला दिया गया है, जिसमें से विराजपेट से हैं, बैंगलोर से हैं, और प्लेयर्स जो है ऑलमोस्ट ऑल ओवर कर्नाटका, और कुछ प्लेयर्स जो है माशाल्लाह से तमिलनाडु, आंध्रा, पांडिचेरी, वहाँ से भी आते हैं खेलने के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है इसकी तरक्की में इजाफा हो रहा है और हम उम्मीद भी करते हैं अल्लाह से कि इंशाल्लाह दिन दूनी रात चौगनी इसको तरक्की अता फरमाए और हमारे तमाम साथियों की मेहनत जो है इंशाल्लाह कामयाब हो। हाँ, प्लेयर्स के लिए एक बेहतरीन मैसेज ये है कि यूनिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करें और इसी के साथ इंशाल्लाह इसमें इजाफा भी होगा डिसिप्लिन में। और क्रिकेट में भी जो अभी छोटे यंगस्टर्स बच्चे खेल रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे अंडर 19 अंडर 16 के जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा इवेंट है ये, बड़े प्लेयरों के साथ खेलने को मौका मिलता है तो इंशाल्लाह उनको वो फ्यूचर में काम आएगा। और हम तमाम प्लेयरों से अपील भी करते हैं कि हर साल इसी तरीके से यूनिटी और डिसिप्लिन साथ खेलें और मैनेजमेंट कमेटी को कोऑपरेट करें ताकि बेहतरीन से बेहतरीन टूर्नामेंट खिलाने का हमको मौका मिले और हर साल इसी तरीके से इंशाल्लाह इसमें मजीद जो है इसकी कामयाबी में इजाफा किया जाएगा और बेहतरीन से बेहतरीन खिलाने की कोशिश रहेगी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि अब तक जो है बेहतरीन मैचेस रहे और तमाम टीमों ने जो है बेहतरीन कारदगी का मुजाहरा भी किया और वेदर ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि लीग मैचेस में होता यह है कि अगर बारिश पड़ गई तो एक एक पॉइंट दे सकते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमें थोड़ा सहूलत रही, लेकिन तमाम टीमों ने जो बेहतरीन मुजाहरा भी किया और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी और इंसानियत के साथ खेलते गए। और हम अपील करते हैं आने वाली टीमों में भी और आइंदा सालों में भी कि तमाम टीमें इंशाल्लाह इसी तरीके से बेहतरीन एक इंसानियत का और अहसन तरीके से खेलें और टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फाइनल कर देंगे। शुक्रिया। मिलाद क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट जमीर भाई हैं और इंशाल्लाह फेलिसिटेट करेंगे हमारे मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अशरफ भाई का। और मैं हमारे सीनियर मेंबर अबरार भाई जो सीनियर क्रिकेटर भी हैं यूनिवर्सल टीम के फाउंडर भी हैं तो उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे एक जावेद भाई जेपी बिल्डर्स का जो है फेलिसिटेट करें तालियों के साथ। रहमान भाई से गुजारिश करता हूं कि वह हमारे मून स्टार के फाउंडर अकमल भाई उनको फेलिसिटेट करें। पुराने खत्म है। हमारे इस्माइल भाई को की शालपोशी करें। वाइस प्रेसिडेंट मिलाद कमेटी मेंबर अफरोज भाई से गुजारिश करता हूं कि हमारे स्टेट सेक्रेटरी ह्यूमन राइट सेल के जो है जुल्कनैन आए हुए हैं उनकी शालपोशी करें। जी हमारे मैसूर सिटी के कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अशरफ भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि मिस्टर अरुण सर्कल इंस्पेक्टर कोयम्पू नगर पुलिस स्टेशन को फेलिसिटेट करें। सर सर अडमात मिलाद क्रिकेट प्रयुक्त ऐन सौहार्द क्रिकेट ऐर्पड़ी ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಮಿಲಾದ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಿಲಾದ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಸ್ಸಲಾಮು ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು। ಪಹಲೇ ಮೈ ಸಾರೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯಿಯೋ ಜಶ್ನ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾ परखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं यहां मिलाद T20 लीग मैच का जो 9 साल से जो यहां पर खिला रहे हैं उनकी पूरी ग्रुप और उनकी पूरी टीम का हमारे तरफ से पूरे उनको तहे दिल से शुक्र गुजार करते हैं और उन्होंने हमें बुलाकर उन्होंने हमना गुलपोशी करे उनका भी तहे दिल से शुक्र गुजार करता हूँ। और एक बात क्या कहता हूँ, जितने भी नौजवान हैं उनको ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट देना, जितने भी हमारे मुसलमान भाइया हैं जितने भी नौजवान हैं इसके ऊपर तवज्जो देखो, जज्बाती के साथ खेले तो पूरे हर तरीके से उन्हें महफूज रहते हैं इंशाल्लाह और हमारे इस टीम का नाम भी होता है। और यहाँ पर जो भी नौजवान यहाँ पर आकर टीम के इसमें आप नाम लिखा करो, ये स्पोर्ट्स में हिस्सा भी ले सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा साल और फाइनल